आप देख रहे हैं नेशन लाइव, हर पल आपके साथ। खबर असम के लखीमपुर से है, जहां कोविड 19 मामलों को लेकर परिस्थिति बस से बदतर होती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश में मिल रहे असम मूल के कोरोना मरीजों को सीधे असम भेजने के मामले को लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग 15 पर बांदरदेवा चैम्बर ऑफ कॉमर्स और स्थानीय लोगों ने इकोनॉमिक ब्लॉक किया है। बांदरदेवा चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने अरुणाचल सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि अरुणाचल प्रदेश सरकार और प्रशासन मिलकर असम राज्य को डस्टबिन समझकर सभी कोविड 19 मरीजों को असम भेज रही है। सुबह 8 बजे से धरना प्रारंभ किया गया, जिसके बाद मौके पर ईटानगर के अतिरिक्त जिलाधिकारी और असम राज्य के लखीमपुर जिला पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी पहुंचे और इस मामले को जल्द सुलझाने की बात कही। सर्किल ऑफिसर को बताया थे कि हम लोग का कोरोना पेशेंट जो आता है, कोरोना अगर अरुणाचल में निकल जा रहा है उसको आसाम में कर दिया जा रहा है। इसके लिए हम लोग रास्ता को ब्लॉक किए हैं और जब तक हमारे डीसी और अरुणाचल डीसी दोनों मिलके हम लोग को कंफर्म नहीं करते हैं कि जितने भी गाड़ी आकर अंदर में जाएंगे, आसाम साइड में नहीं रुकेंगे, अंदर में रह के कोरोना का निगेटिव और पॉजिटिव का टेस्ट होगा और टेस्ट होने के बाद में वो लोग अंदर में क्या करेगा उस आसाम में हम लोग को नहीं चाहिए। तब तक ये लोग का इकोनॉमिक को हम लोग ब्लॉक करके रखेगा, इकोनॉमिक को हम लोग जाने नहीं देगा और ये हम लोग का मांग है। कितना दिन तक रहेगा आप लोग, मतलब कितना समय तक? जब तक हम लोग डिसीजन आकर नहीं देते हैं कि हाँ ये रास्ता पर नहीं रहेगा गाड़ी, जो भी गाड़ी आएगा डायरेक्ट अरुणाचल के अंदर में घुसेगा, बंदरदेवा में कोई भी ड्राइवर हैंडीमैन नहीं उतरेगा, उसके बाद ही हम लोग यहाँ से हटेंगे।